हाय गाइस, मैं मधुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं इको पार्क। चलिए यहां टिकट लेते हैं और अंदर एंट्री लेते हैं। आप देख सकते हैं राजधानी वाटिका के सीन को। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा फ्रेंड टिकट के लिए जा रहा है अभिषेक। टिकट लेने के बाद चलते हैं हम अंदर। ये है एंट्री गेट राजधानी वाटिका में। अभी हम प्रवेश करते हैं। कितना रुपया लगा? 40 रुपये। चलो अभिषेक, दो आदमी का टिकट है सर। चलो बढ़ो। राजधानी वाटिका में हम एंट्री ले चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजधानी वाटिका में 3 पार्क है। हम एक एक करके हर जगह हम आपको घुमाएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। हम चलते हैं अंदर इको पार्क में। इको पार्क 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। हम चलते हैं एक एक करके तीनों पार्क में हम घुमा देंगे। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जरूर जरूर।
हाँ, तो बताइए कैसा फील हो रहा है आज इस पार्क में आके? फील तो अच्छा हो रहा है, दो दिन बाद पार्क खुल गया है। अच्छा, आज वैलेंटाइन डे के दिन पे खुला है पार्क। तो आप लोग वैलेंटाइन डे के अवसर पे आए हुए हैं? नहीं, हम तो सिंगल हैं। सिंगल बंदी नहीं है? आज बंदी ढूंढने आए हैं। आप प्रपोज कीजिए कि नहीं न्यू बंदी को? किसको प्रपोज करें, आप लाके दे दीजिए, हम कर देंगे। अजब गजब बात है भाई, बंदी आपको चाहिए तो आप ढूंढो। एक दिन का प्यार, फिर उसी तरह रोना धोना, फिर दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, भाई बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा बहन ना बना लेंगे। हाँ, उसके बाद आज ब्लैक डे है, जान रहे हैं या नहीं? पुलवामा का हमला जाएंगे, शाम में कारगिल चौक भी जाएंगे। चलिए, थैंक यू ब्रो। आप डबल है किसी? गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर फाउंटेन लगाया गया है। यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं। जरूर जरूर आप लोग भी आइएगा, फोटो जरूर आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं लोग और सेल्फी ले रहे हैं। आप आए तो यहाँ पे जरूर फोटो क्लिक करें। यहाँ पे वाटर फाउंटेन लगा हुआ है, काफी बढ़िया व्यू यहाँ पे आता है। अभी मिलवाते हैं भैया लोग से। तो गाइज, हम मिलवाते हैं, यहाँ पे फैमिली के साथ आए हुए हैं, आंटी से बात करते हैं। आंटी बताइएगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ आने पे, मैं पूरे फैमिली के साथ आई हूँ और मेरे भतीजे और भतीजी है, मेरे सब बुआ, सारे आदमी मस्ती करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वैलेंटाइन डे है और बहुत ही मस्ती करते हैं। स्टार्टिंग है मस्ती और भी करना है, अभी तो मस्ती टाइम शुरू ही हुआ। हाँ, तो आप बताइएगा कैसा रिव्यू रहा आज का? अच्छा रहा, लेकिन अभी तो हम लोग का मस्ती टाइम शुरू हुआ है। फैमिली के साथ आए, भाई है, बहन है, फुआ है, भतीजा है सब। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग पटना से ही रहने वाले हैं। तो पार्क में डेली का आना जाना है कि आज वैलेंटाइन डे स्पेशल इस दिन को सेलिब्रेट कर? नहीं, फैमिली गेट टुगेदर था तो सब भाई बहन प्लान बनाया आने के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड। हाँ भैया, आज का वैलेंटाइन डे आपके लिए कैसा रहा? बहुत खुशनुमा, हमारे इतने सारे वैलेंटाइन साथ में, और क्या चाहिए हम लोगों की फैमिली ही वैलेंटाइन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर, आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा हमको। बड़े में भर के छोड़ दिया जाएगा इस पॉन्ड में। उधर बोटिंग सिस्टम को आप देखे हैं, यहाँ पे गुब्बारा वाला सिस्टम है, आप पॉन्ड में काफी मस्ती इंजॉय कर सकते हैं। आपको इसके लिए टिकट कटवाना होगा। आप देख सकते हैं काफी भीड़ लगा हुआ है, काफी कपल्स लोग विजिट किए हुए हैं इस पार्क में आज वैलेंटाइन डे के अवसर पे। काफी ही भीड़ है इस पार्क में।
यहाँ पे देख सकते हैं सख्त लौंडे लोग घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पार्क के सुंदर दृश्य को। सुनो सुनो बाबू, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। नाम क्या है आपका? नाम बता दो। आप देख सकते हैं छोटी बच्ची शर्मा रही है। तो गाइस आइए कुछ लोगों से मिलवाते हैं आपको। तो आप लोग बताइएगा पार्क का क्या रिव्यू रहा आज के दिन? हम लोग सिर्फ लड़की लड़की घूमने आए हैं। अच्छा, वैलेंटाइन डे आपके लिए क्या स्पेशल रहा? कुछ भी स्पेशल नहीं है, हमारा जो फ्रेंडशिप है हम लोग घूमने आए हैं, फ्रेंडशिप निभाने आए हैं, कोई हमारे लिए वैलेंटाइन डे नहीं है। आज का दिन कैसा रहा आप लोगों के लिए? कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल डेज के जैसा। वैलेंटाइन डे है, सिंगल हैं या कपल हैं आप लोग? हम लोग कोई कपल नहीं है, सब सिंगल सिंगल लड़के आए घूमने। आज किसी को प्रपोज करना चाहेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। आज कोई अगर आपको प्रपोज करे तो एक्सेप्ट करेंगे? इंटरेस्ट नहीं है हम लोगों को। तो गाइस आप देख सकते हैं इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चार फ्रेंड अपने साथ घूमने आए हुए हैं इस पार्क में एंजॉय करने। बाय, ठीक है चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा भाई लोग बैठे हुए हैं, इन लोग का भी रिव्यू ले लेते हैं। तो भाई आज का दिन कैसा रहा आपका? के लिए तो हम सिंगल बंदे हैं भैया, एकदम बेकार गया। भाई माइक पकड़ो ना भाई। भैया आज का दिन कैसा रहा इस पार्क में? दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अपने लिए कुछ हो नहीं पाया। अब बोलिए अब क्या किया जाए? दिल टूटा हुआ है? ना टूटा हुआ नहीं, टूटा। अच्छा अच्छा, अभी दिल जोड़ना है। प्रपोज करना चाहेंगे किसी बंदी को? ना वो सब चक्कर में नहीं रहते हैं, वो सब धोखा है। अगर कोई प्रपोज करती है तो आप एक्सेप्ट करेंगे? बोलेंगे टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप सिंगल ही रहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया शुक्रिया। भैया भाई हम बता दे, वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? 14 फरवरी 1969 को वैलेंटाइन एक संत थे, उनको फांसी का सजा सुनाया गया। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस के नाम से जाना जाता है, प्रेम और प्रेमियों के दिवस के नाम से जाना जाता है इस दिन को। तो गाइस आइए हम मिलवाते हैं कुछ यहाँ लोगों से। आप लोग कैसा फील कर रहे हैं इस पार्क में आके? गुड। आप बोलिएगा। अच्छा लग रहा है इस पार्क में आके। आज वैलेंटाइन डे का दिन है, आप लोग सिंगल घूम रहे हैं या कपल्स के साथ हैं? नहीं, फ्रेंड्स। तो गाइज आप देख सकते हैं इस पार्क में काफी चहल पहल है, कुछ लोग कपल्स के साथ, कुछ सिंगल और कुछ अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं इस पार्क में। ब्रदर आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसके बारे में कैसा फील हो रहा है इस पार्क में आके? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज ही आए हैं कि इससे पहले भी आए हुए हैं इस पार्क में? नहीं, आज ही आया हूँ, पहली बार देखा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गुजरात से। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे अदर अदर स्टेट से भी लोग आए हुए हैं, यूपी से, तो क्या गुजरात से। ठीक है ब्रदर, मिलते हैं फिर। तो गाइज हम मिलते हैं सिंगल लौंडे से। इनकी गर्लफ्रेंड खो गई है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ भैया, बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, समझे ना। इनकी गर्लफ्रेंड खो गई है। आज आप इस पार्क में विजिट किए, कैसा फील हो रहा है? पार्क तो ठीक ठाक है, लेकिन पार्क वाली है नहीं है। अच्छा, आप सिंगल हैं? सब सिंगल है, देखिए इतना लौंडा तो जितना घूम रहा है सब सिंगल सिंगल है। कपल नहीं है आप लोग? हम लोग दो दो तीन तीन बार से सिंगल है।
किसी बंदी को प्रपोज क्यों नहीं मारते हैं? ये सब काम थोड़ी करेंगे, डर लगता है ना? डर लगता है तो लाइफ में सिंगल ही रहिएगा, आगे माय बाबू का तो शादी ब्याह। अच्छा अच्छा, माय बाबू के द्वारा मिलेगा तो करिए। वीडियो को हमने दो पार्ट में बांट दिया है, वीडियो काफी लंबा हो जाता, 30 से 40 मिनट का। जो लोग इस पार्ट में नहीं है अगले पार्ट में रहेंगे वीडियो के। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताए हैं, इस पार्क में वैलेंटाइन डे के अवसर पर अदर अदर स्टेट से लोग विजिट किए हुए हैं, गुजरात से, उड़ीसा से, यूपी से, दिल्ली से, आपको देखने को मिला होगा वीडियो में। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।